ये है मूरखपुर, जहाँ सबका दिमाग चलता है थोड़ा उल्टा पुल्टा। पर इन मूर्खों की नगरी में किसना का भला क्या है काज? आइए चलते हैं मूरखपुर। ये तो ठीक लग रहे हैं। क्या हुआ पिताजी? पता नहीं, कल से गाय और भैंसे दूध नहीं दे रही। वैद्य जी, आनंद नगरी के सब पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया है। पिताजी ये देखिए, ये तो जंगली घास है। लगता है ये सारे चारे में मिल गई है, जिसकी वजह से पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया है। मेरे पास इसकी दवा तो है, लेकिन बहुत कम है। इतनी कम दवा से सबका इलाज ठीक से हो नहीं पाएगा। बहुत अधिक मात्रा में दूध बूटी चाहिए। वो कहाँ मिलेगी? मूरखपुर में। मूरखपुर? यहाँ से उत्तर की दिशा में है ये राज्य। प्रधान जी, अगर आप कहें तो मैं दूध बूटी लेकर आता हूँ। हाँ दुर्मुख, जल्दी जाओ। हर बार की तरह इस बार भी दुर्मुख चाचा खाली हाथ ही लौटेंगे। हमें मूरखपुर जाना होगा। नहीं किसना, हमें दुर्मुख चाचा के लौटने का इंतजार करना चाहिए। इसका मतलब मुझे दूध नहीं मिलेगा किसना? राधिका जी यही चाहती हैं कि आनंद नगरी में कोई दूध न पिए, तो ऐसा ही सही। इन्हें ये भी चिंता नहीं कि छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं उनका क्या होगा। ठीक है, हम सब मूरखपुर जाएंगे। वैद्य जी ने कहा था पहले आनंदी नदी पार करनी पड़ती है, इसके बाद आता है एक घना जंगल। फिर पहाड़ी के पीछे आएगा मूरखपुर। मूरखपुर क्या आसमान में है? ये कौन है सा? क्यों, खा गए ना तुम भी धोखा? ये धोखा देने के लिए लगाया है। हाँ हाँ, अगर मूरखपुर का कोई दुश्मन आ जाए तो वो आसमान में जाकर भटक जाएगा। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इस तरह ऊपर जाएगा? अभी अभी ये गया है। तुम लोग तो बहुत ही बुद्धिमान हो। वो तो है, हमारे राज्य का नाम मूरखपुर ऐसी थोड़ी ना है। कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं किसना हूँ और ये मेरे दोस्त हैं। हम आनंद नगरी से आए हैं। किसना, इन्होंने हथियार उल्टे क्यों पकड़े हैं? ये मूरखपुर है राधिका, यहाँ कोई काम सीधा नहीं होता। ये तुम लोग आपस में क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? सिपाहियों, इन्हें पिंजरे में डालकर महाराज के पास ले चलो। अब क्या होगा किसना, ये हमें कैद कर लेंगे, क्या हम कभी नहीं छूट पाएंगे? सुद्दी, जिनके पिंजरे ऐसे हो वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? सब बाहर आ जाओ। सुद्दी जल्दी बाहर निकलो। हाँ, वो लोग कहाँ गए? तुम लोग पिंजरे से निकल क्यों गए? ऐसे पिंजरे से जो ना निकले वो मूरख ही होगा। जब हमने तुम्हें एक बार पकड़ लिया तो तुम्हें पिंजरे से बाहर नहीं आना चाहिए, ये तो बेईमानी है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। आप तो नाराज हो गए, हम आते हैं। ये क्या कर रहे हो किसना, हमें जड़ी बूटी ढूंढनी है। ये लोग हमें खुद जड़ी बूटी ला कर देंगे, देखती जाओ। हाँ,
वही काट रहे हो? हाँ, अरे यही डाल तो चाहिए मुझे, इसीलिए काट रहा हूँ। डाल कटते ही तुम नीचे जमीन पर गिर जाओगे। वो बच्चे सही कह रहे थे। रुको रुको, क्या हुआ? ये बच्चे तो भविष्य जानते हैं। अरे इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं गिरने वाला हूँ। इन्हें पिंजरे से निकालो और महाराज के पास ले चलो। बहुत परेशान हूँ मैं। जुड़वा राजकुमार हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक को दिन पसंद है, एक को रात, एक को जलेबी खट्टी चटनी के साथ पसंद है, तो एक को समोसा दूध में डालकर। दूध डालकर समोसा और खट्टी चटनी के साथ जलेबी, ये तो मैं भी नहीं खा सकता। और क्या, अब जलेबी तो मिर्च की चटनी के साथ ही अच्छी लगती है, और समोसा रबड़ी के साथ। तो खाने दीजिए ना इन्हें जो पसंद है, इसमें समस्या क्या है? मुझे अगला राजा चुनना है। बच्चों, तुम भविष्य जान लेते हो तो ये बताओ, मेरे दोनों बेटों में से मूरखपुर का राजा कौन बनेगा? जो राजा बनने के लायक होगा। इसका फैसला कैसे होगा? इसके लिए इन्हें अक्ल की परीक्षा देनी होगी। नहीं, ताकत की। अक्ल और ताकत दोनों की, जो दोनों में जीतेगा वही राजा होगा। तो ठीक है, तुम लोग ही लो परीक्षा। लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? आपको हमें खूब सारी दूध बूटी देनी होगी। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। हाँ। राधिका, ये मूरखपुर है, महान राज्य। इनके हिसाब से ही सवाल पूछना। अच्छा, दो और दो कितने होते हैं? ये क्या कर रहे हो? दिमाग दौड़ा रहा हूँ। और तुम? दिमाग की बत्ती जला रहा हूँ। इसे रख दीजिए राजकुमार जी, वरना बत्ती की जगह सर के बाल जल जाएंगे। दो और दो पाँच होते हैं। दो और दो पाँच। इन्हें तो इतना भी नहीं पता। अरे दो और दो तो 22 होते हैं, 22। महाराज, बुद्धि में तो दोनों बराबर है, अब शक्ति की परीक्षा ली जाए। लगता है मूरखपुर की चट्टाने बहुत कमजोर हैं। अब दोनों के बीच कुश्ती होगी, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। मैं अपने भाई से नहीं लड़ूंगा। मैं भी नहीं लड़ूंगा। भाइयों में ना प्रेम? प्रेम नहीं, वो मारता है तो मुझे बहुत लगती है। वो भी तो मुझे कितना मारता है, ये देख अभी तक कितना दर्द हो रहा है। तुम लोग आपस में नहीं लड़ सकते, लेकिन मुझसे तो लड़ सकते हो। हाँ। मेरे भाई को मारा। महाराज, फैसला हो गया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे और ये दोनों ही राजा बनेंगे। दोनों? आपने कहा था ना, एक को दिन पसंद है, दूसरे को रात। वाह किसना वाह, तुमने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। महाराज, मैंने आपका काम तो कर दिया, अब हमारी जड़ी बूटी। ये लो।
दूध नहीं पीना। दूध नहीं पियोगे तो मूरखपुर का राजा बना देंगे। लेकिन दुर्मुख कहाँ रह गए? वो भी तो मूरखपुर गए थे। हाँ? मूरखपुर पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। राधिका, पता चला असली मूरखपुर का राजा कौन है? हे, सब्सक्राइब टू वाओ किड्स टुडे।